अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। देखिए मैं बच्चों को सुला के आया साग लेके बैठ गई हूँ साफ करने के लिए। ले आए साग, मैं सोच रही थी इसको साफ कर दूँ, रात में साफ करके और काट के रख दूँगी, सुबह धुल के सिर्फ इसको बनाना रहेगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये साफ करने में। और ये साग का नाम जानते क्या है? ये साग है मुल्किया साग, ये यहाँ मिलता है कतर में। ये बहुत अच्छा लगता है, ये बना जब ये बनाओ तो खाने के टाइम जैसे लगता है कि ये गोश्त का इसमें मिलाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये है चौराई, दोनों मिला के बनाऊँगी इंशाल्लाह, कल बनाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी देखना कैसे। देखने में भी इतना अच्छा लगता है, खाने में भी। मरियम के बाबा के तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला साग, और मुझे भी पसंद है। मेरे बच्चे भी साग खाते हैं, साग रोटी खा लेते हैं। मेरा सुबह बच्चे जब स्कूल चले जाते तो टाइम रहता है साफ करने के लिए, लेकिन सुबह बहुत काम है। लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया है और सुबह लहसुन को छील के और अदरक लहसुन छील के उसको पीसूँगी, एकदम से ख़त्म हो गया है तो वो भी सुबह ही करना पड़ेगा क्योंकि वो सुबह करने के बाद खाना बनाओ, नहाओ, नमाज पढ़ो, फिर बच्चे आ जाते हैं, हमें फातिमा रहती है, उनका होमवर्क करवाना रहता है, उनको नहलाना रहता है। इससे बहुत काम, पूरा दिन काम ही करते रहो फिर भी नहीं ख़त्म होता है, रात आ जाती है, इतना काम अकेले जो रहते हैं यही काम है सबके पास। देखिए बहुत है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि एक घंटा तो जाएगा ये साफ करने में। 10 बज गया है, देखो कितना टाइम, 11 बजे तक हो जाए तो अच्छी बात है, इसे मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लूँगा। इंशाल्लाह एक घंटा तो लगेगा ही, घंटे में हो जाएगा। देखिए तो हो गया, ये एक घंटा लगा है। कचरा देखिए पूरा, जैसे लगता है कचरा ही निकल गया है, पत्ता सिर्फ इसका निकाले हूँ मैं। ऊपर चौराई है, नीचे मुल्किया है, अभी मैं काटूँगी इसको, मैं रख देती हूँ, फेंकूँगी नहीं क्योंकि मुर्गी खा लेंगे, इसमें डाल देती हूँ तब काटूँ। अब देखिए मैं जा रही हूँ इसको काटने, मैं चाकू से नहीं काटती हूँ, सब्जी साग ये सब चीज़ में ही इसी से काटती हूँ। रेडी कट के साग, हम मिलती हूँ मैं सुबह में, ये सब रख के जाती हूँ सोने, 4 बजे उठना है मुझे, लेट हो गया। तो यहाँ पर मैं जा रही थी सुबह को स्कूल है, देखिए मेरी बस आ गई है और मैं दरवाजा खोल के जा रही थी, मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह को मैं जा रही थी और मेरा गला जैसे कि दर्द कर रहा था तो इसलिए मैं कुछ तो बोली थी मुर्गी को, मुझे वो जा रही थी जो मुर्गी को दाना देना और जो रात में साग साफ कर रही थी, हाँ वो लोग खा लेगी। ये देखिए मुर्गी लोग को दे रही है, ये देखिए मुर्गी का दाना है, ये मुर्गी को लोग को दाना दे रही है और जो नीचे गिर जाता है तो हम लोग उसका कोई टेंशन नहीं रहता क्योंकि मुर्गी लोग उसको भी खा लेते हैं जब खत्म हो जाता है। हम लोग का कोई भी खाने बच जाता है, दाल चावल कुछ भी, तो वो ही मुर्गी लोग खा लेती है, हम लोग दे देते हैं हम लोग का। ये देखिए लेमन कटरी जो हम लोग के घर पे है, ये देखिए लेमन बहुत बड़े बड़े हो गए, मेरे मम्मा किसी दिन तोड़ेंगे तो अचार बनाएंगे आप लोग दिखाएंगे। और ये मेरे पापा जीरा वाटर जो रात में रखती है उसको पीने जा रही थी, देखिए
थोड़ा सा पी लेगी, थोड़ा सा आधा पी के। और ये था धनिया, मेरे मम्मी उसको मार्केट से लाई थी, तो उसको वो भी धुल देंगे और धूप पे वो रख देंगे, सूखने के लिए बाहर रख देंगे फिलहाल। कैसे अब उसको वॉश कर रही है, और उसका वाटर जो था उसके अंदर वो निकाल लेंगे अभी। तो देखिए बाहर रख दिया, ये देखिए इसको अभी फैला रही है, फैला रही है। तो देखिए अभी मेरी मम्मा जा रही है लहसुन छिलने, तो देखिए लहसुन को छिल रही थी यहाँ पर, और तोड़ी हूँ, तोड़ के बाहर ला के साफ करेंगे इसको, फटकेंगे। ये देखिए ये देखिए साफ हो गया है, बस इसको छिलना बाकी है। और मेरी मम्मा यहाँ पर अभी इसको हॉट वाटर में डालेंगी और फिर उसके बाद छिलेंगी। ये देखिए पानी को गर्म कर रही है और इसमें लहसुन भी डाल रही है उसके साथ। और मेरी मम्मा जा रही थी यहाँ पर क्लॉथ्स हैंग करने, तो देखिए मैं हैंग कर रही। ये फा अभी जो टांगी है वो हैंग कर रही है, वो फात का पैंट है। जा रही हूँ मैं साफ को धुलने और इधर अपने लिए अंडा बॉईल कर रही हूँ फातिमा और अपने लिए। चार से पांच बार धुलो तब जाके साफ होता है, मैं हाफ हाफ करके धुलूंगी ताकि जल्दी हो जाए। धुल चुकी हूँ, रख दूँ, पक रहा है, थोड़ा सा कम हो जाएगा तब नमक डालूंगी, पहले ही डाल दो नमक तो कहीं ज्यादा ना हो जाए। अंडा भी बॉयल हो गया, अभी फातिमा सो रही है, उनको दूध दे देती हूँ। साथ में एक आलू डाल देती हूँ, साथ में मिर्चा भी डालूंगी, तो साग देखिए कम हो गया है। इसमें मैं डाल दूंगी नमक है, नमक डाल दूंगी, मोटा वाला मिर्चा डालने में तीखा भी नहीं लगेगा, फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं साग, इसलिए तीखा नहीं करूँगी, और एक आलू भी डाल दूँगी। कम कर दूँगी, धीरे धीरे पक जाएगा। मैं जा रही हूँ अब नाश्ता करने, नाश्ता करने के बाद तब ये काम करूँगी, ये लहसुन साफ करूँगी। देखिए मैं ब्रेड ली हूँ, ये पीनट बटर लगा के आज खाऊंगी, अंडा और चाय।
नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। नाश्ता हो गया है, अभी मैं इसको साफ कर रही हूँ। और जिस दिन सुबह काम करना शुरू कर देती हूँ इतना काम हो जाता है दोपहर तक, और जिस दिन सो जाती हूँ सारा काम धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। उठो जल्दी जल्दी जाओ, नमाज पढ़ो, खाना की तैयारी करो, फातिमा का मुबारक इसको नहलाना, ऐसे ही सब काम रहता है। सुबह जब शुरू करती हूँ इतना आराम से धीरे धीरे करके सारा काम हो जाता है, फिर भी टाइम बच जाते हैं, ऐसे होता है। ऐसे नहीं कहते हैं कि सुबह उठने में कितनी बरकत है, काम में भी नमाज कुरान सब कुछ हो जाता है। दोपहर के नमाज पढ़ने के बाद भी कुरान पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत काम हुआ रहता है। जोहर के बाद भी नमाज कुरान पढ़ लिया करें टाइम, अगर टाइम रहे तो। जाके साथ चेक कर लो कहीं जल वल ना गया हो, भूल गई मैं। साग हो गया तैयार, ये दोपहर में इसको बघारूंगी। और चावल बना लूंगी थोड़ा सा, और रोटी, क्योंकि बच्चे मेरे रोटी खाते हैं चावल नहीं। दाल चावल कल बना रही थी, इतना मरियम चिल्ला रही थी कि क्यों चावल बनाई, रोटी ही नहीं था घर पे, रोटी भी नहीं बनाई, इतना चिल्ला रही थी कि चावल उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, सबके बच्चे बोलेंगे मम्मा बिरयानी बना दो, बिरयानी खाना है। मेरे बच्चे कभी नहीं बोले हैं कि बिरयानी बना दो, अगर मैं बिरयानी बना भी देती हूँ तो इतना चिल्लाते हैं लोग, मरियम वफात, लोग को रोटी चाहिए, रोटी के साथ कोई भी सब्जी चाहिए, लौकी, भिंडी, मिक्स सब्जी, स्टीम चिकन चाहिए, सालन भी नहीं पसंद है ज़्यादा, गोश्त का ये टिक्का बना देती हूँ, कभी कभी मैं फ्राई भी कर देती हूँ, वैसे तेल में कम फ्राई करती हूँ, ये सब मैं वही स्टीम चिकन स्टीम बना लेती हूँ, टिक्का बना लेती हूँ, वैसे ही टिक्का नहीं बनाती हूँ तो वैसे चिकन बटर वैसे भी करके बना लेती हूँ उसमें फ्राई पैन में, दाल रोटी भी खा लेंगे पर चावल दाल चावल नहीं खाएंगे। देखिए मेरा हो रहा है, आधा हो चुका है, आधा बाकी है। देखिए काम करते करते मैं टीवी देखती हूँ, एक पाकिस्तानी चैनल है, इस पर मॉर्निंग आता है, मॉर्निंग हम लाइव ये मैं देखती हूँ सुबह में, अच्छे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कुछ सीखने को भी मिल जाता है इसमें। देखिए हो गया है लहसुन साफ हो गया, और ये मैं थोड़ा सा पानी पतीली में रख के गरम कर लेती हूँ, गरम हो जाता है पानी, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होता है, बस गुनगुना सा रहता है, इसे उसी में डाल देती हूँ और बंद कर देती हूँ। 10 मिनट तक पड़ा रहता है तब छिलती हूँ, बहुत अच्छे साफ हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, देखिए कितना साफ हुआ है। अब मैं इसको भी छिल लूँगी, उसके बाद तो छिलने के बाद दोनों धुल के पीस लूँगी, और मैं क्यूब बना लूँगी, आधा को क्यूब बनाऊँगी और आधा रख लूँगी फ्रिज में किसी जार में डाल के। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी स्कूल से आ गई हूँ तो मुझे कुछ पता चला है, सरप्राइज़ मिल गया।
हम लोग के लिए भो बट्टी बना रही है। मैं इतना ज़्यादा इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग पहली बार ट्राई करेंगे। तो देसी जगह में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बनाते हैं बबल टी। आप लोग इसको बबल बबल टी, तो सबसे पहले वो वाटर लेंगे, उसको बॉयल कर दिए हैं, फिर उसको तो शुगर डाल दिए हैं। शुगर डालने के बाद वो डाल दिए चाय पत्ती, ये देखिए। तभी पक गया है और जब ठंडा जगह तो मैं इसका क्यों सुनाएंगे। वो भी हम लोग के पास सर्कल का बोर्ड मोल्ड रखा है, तो हम लोग इसमें डालेंगे। तभी मेरे मम्मा जा रही है बोबट्टी का आटा बनाने, जो मेन चीज होती है बोबट्टी में वही बनाएंगे। तो सबसे पहले पैन लेनी है और गैस चालू करनी है और उसके बाद उसमें पानी डाल दिया और फिर उसके बाद ब्राउन शुगर लेंगे, जितना भी आप लोग कुछ ले सकता, और फिर कोको पाउडर और उसको मिक्स कर लेना था अच्छे से। तो मेरी मम्मा लेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और 3 टेबल स्पून ये है कॉर्नफ्लावर। ये देखिए, तो ये रेडी हो गया आटा हम लोग के लिए, बस इतना काफ़ी है। आप लोग को जितना चाहिए आप लोग उतना बना सकते हैं, अब टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा है तो रेडी। बाहर इतना महंगा मिलता है, हम लोग कभी भी ट्राई नहीं करें, बस देखें शॉप्स में इसको देखें। एक बार हम लोग गए थे कपड़ों वपड़ों से देखे थे, तो हम लोग को इतना दिखा लेकिन बहुत महंगा था। तो ये देखिए, हम लोग आज पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं, वो भी घर पर बना के। तो जो मेरी मम्मी टी बना रही थी, सबसे पहले बोबा टी के लिए तो उसको मोल्ड में डाल दिया, उसको बंद कर देंगे। मैं जा रही हूँ साग बघारने, बुखार हो गया है। देखिए मस्टर्ड ऑयल, साग दाल मछली ये सब मैं इसी ऑयल से लगाती हूँ। इसमें डालूंगी जीरा सूखा मिर्च और हींग डालूंगी। हींग साग हो गया रेडी, बघार उघार लग चुका, अभी खाने के लिए है रेडी। तभी हम लोग यहाँ पर बोबा बना रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग पैन में थोड़ा सा वाटर लिए हैं और अभी उसमें हम लोग शुगर डालेंगे, वो भी ब्राउन शुगर। और जो बोबा टी हम लोग का, जो बोबा था हम लोग का, वो हम लोग रेडी कर लिए हैं। पानी पक जाएगा तब ये डालना, हाँ खोल जाएगा तब। पानी पक गया है, अब पानी पकने के बाद ये डाल दूंगी इसमें बोबा। अभी पक गया है, देखिए दिखने में इसे कितना अच्छा लगता है ये बोबा। देखिए तो ये हो गया है रेडी। तो हम लोग यहाँ पर जो आइस क्यूब बनाए थे उसको हम लोग निकाल लें प्लेट में, और जो बोबा बोबा ठंडा हो गया, हम लोग इसमें इसको ग्लास में डाल रहे हैं। देखिए आप लोग उसके लिए मिल्क चाहिए, कोई भी मिल्क आप लोग ले सकते हो, बट अगर ये कच्चा वाला मिल्क रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा बोबा। अब मिल्क डालेंगे इसमें, देखिए हम लोग पहली बार ट्राई बना रहे हैं, तो आपको तो बताएंगे कैसा है, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब इसमें डालेंगे हम लोग आइस क्यूब्स, दो दो पीस डाल रही हूँ।
इसकी ट्राई करती है। ये बोबा टी के लिए एक मोटा सा पाइप मिलता है और बड़ा होता है वो, तो अभी हम लोग के पास वो घर पर नहीं है, तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे और चम्मच से खाएंगे। चलो ट्राई कर दे इसे। बिस्मिल्लाह। तो गाइस इतना यम्मी है, आप लोग भी प्लीज ट्राई करना। चलो बोबा ट्राई करते हैं। भाई हमें आप लोग भी ट्राई करना कि कैसा है, आप लोग भी बोलो कि कैसा, बहुत अच्छा बना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।